2023 तक कब तक 2023 तक 22000 यूथ को हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं राइट right? 22000 यूथ को हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं एंड द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू 5320 यंगस्टर्स को उन्होंने प्रोवाइड किए इतने नंबर ऑफ यंगस्टर्स को उन्होंने वेरियस सेक्टर्स इन द स्टेट के अंदर ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की एंड इन्हीं में से लगभग 3021 यूथ को जो है दे हैव गॉट द प्लेसमेंट आल्सो ठीक है एंड दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम जो नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है अलग अलग स्टेट्स अपने लेवल पे अच्छा, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं एंड जब हिमाचल ने इस तरीके से यू नो परफॉर्म किया है तो नाउ दे हैव सेट टारगेट कि 2023 तक इतने यूथ को हम लोग ट्रेन करने वाले हैं करेक्ट अब इसमें क्या है इस स्कीम के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम इट इज अ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे आपको स्किल जो है प्रोवाइड की जाएगी जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा एंड आगे जाके आपको गारंटीड प्लेसमेंट भी दी जाएगी गारंटीड प्लेसमेंट अंडरस्टैंड अब ये जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि लिंक्ड है प्लेसमेंट के साथ ये जो स्कीम है ये बेसिकली इसका एम क्या है इसका एम यही है कि जो ग्रामीण एरिया के जो यंगस्टर्स हैं यूथ है जिनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है लाइवलीहुड की उनकी यही अपॉर्चुनिटीज़ को डबल कर देना ताकि वो लाइवलीहुड को अर्न कर पाए और उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वेलबींग है वो और बेटर हो पाए अंडरस्टैंड और

Uh, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा हमारी जो डेमोग्राफी है जिसमें वर्किंग फोर्स बहुत ज्यादा है उसका यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब उसको हम लोग uh, एक प्रॉपर चैनलाइज किया जाए उनकी एनर्जी को राइट right? तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस राइट चलिए अब इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इसके अलावा है नाउ हिमाचल गवर्नमेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग द स्किल्स प्लेसमेंट ऑल्सो टू द यूथ राइट तो ये जो एम्प्लॉयमेंट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द स्टेट ऑल्सो एंड नेबरिंग स्टेट के अंदर भी उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूथ को नाउ इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर दी दिस स्कीम हैज प्रोवन टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर द रूर डेवलपमेंट इनिशियेटिव फॉर द रूर एंड पुअर रूलर यूथ अंडरस्टैंड Now, इस स्कीम के तहत क्या है थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा प्रम्स में पूछा जा सकता है इस स्कीम के रिगार्डिंग कि इसके अंदर कौन कौन से एलिजिबल कैटेगरी uh, आती हैं दैट इज 15 से 35 साल की एज ग्रुप का बंदा जो है यूथ जो है वो इसके अंदर आ सकता है बट इसमें एक चीज और भी है कि स्पेशली एबल्ड पीपल वन एंड दोस्ट फ्रॉम द वीकर सेक्शन ये लोग भी इस चीज के लिए एलिजिबल हैं अप टू द एज ऑफ 45 फाइव ईयर्स सो अप टू द एज ऑफ फोर्टी फाइव ईयर्स दे आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम अंडरस्टैंड तो इतना आप याद रख सकते हैं कि ये ये कैटेगरी के लोग हैं जो इस स्कीम से बेनिफिट उठा सकते हैं अंडरस्टैंड नाउ आई हैव जस्ट एक्सप्लेन डेट कि इस स्कीम के तहत प्लेसमेंट लिंक्ड है तो प्लेसमेंट मिलेगी गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगी और वो प्लेसमेंट का कितना परसेंट है एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट तो एटलीस्ट सत्तर प्रतिशत लोगों को जो स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगी अंडरस्टैंड सो so, यहां से प्रलिम से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं एटलीस्ट की जगह मैक्सिमम लिख सकते हैं ये लोग मैक्सिमम सेवेंटी परसेंट मिल जाएगी या कुछ भी नंबर्स में चेंजेस करके ये फ्रेम कर सकते हैं स्टेटमेंट्स फॉर योर प्रिलिम्स एग्जाम राइट चलिए नाउ नेशनल लेवल पे अगर ग्रामीण ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की बात करें तो नेशनल लेवल पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ऑब्जेक्टिव टू डाइवर्सिटी ऑफ द इनकम ऑफ द ऑफ रूरल पुअर फैमिलीज तो जो ग्रामीण एरिया के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जो इनकम सोर्सेज हैं वो सोर्सेज डाइवर्सिफाई किए जाए इसका एक पहला ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा करियर एस्परेशन ऑफ रूरल यूथ तो करियर एस्परेशन जो है ग्रामीण एरिया के जो जवान इंसान है उसके लिए और थोड़ा सा उसकी जो एस्परेशन है करियर के लेके उसको फैसिलिटेट करना उसको हेल्प करना कवरेज की बात करें तो नेशनल लेवल पे इसकी जो कवरेज है दैट इज़ 27 स्टेट्स के अंदर इसकी कवरेज है तीन यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसकी कवरेज है ट्रेनिंग सेंटर्स जो है 2198 ट्रेनिंग सेंटर्स है और इतने प्रोजेक्ट्स हैं राइट उसके अलावा इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कंडक्ट करती जा रही हैं फिफ्टी सेक्टर्स एंड ओवरऑल सिक्स छः सौ जो जॉब रोल्स हैं जिनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है एंड अगर अभी तक बात करें अचीवमेंट्स की तो इफ वी टॉक अबाउट द अचीवमेंट देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इंसेप्शन ऑफ द स्कीम लगभग लगभग दस लाख कैंडिडेट uh, जो है हु हैव गॉट हु हैव बीन ट्रेंड एंड दे हैव गॉट द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड तो ये या आप याद रख सकते हैं इस स्कीम के बारे में ओके नाउ वी हैव रेड एवरीथिंग रिगार्डिंग द स्कीम जो जो इंपॉर्टेंट है हमने पढ़ लिया है इस स्कीम के बारे में बट हम लोग अब और भी पढ़ने, पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग स्किल ट्रेनिंग स्कीम विच आर बींग प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट राइट जैसे कि वी हैव अदर to related to the skill development sabse सबसे पहला जो hai है which is a recent initiative, इसको थोड़ा सा uh, change करके इसका नया जो है एक uh, revamped version जो है वो लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थ्री पॉइंट ठीक है ये जो स्कीम है इट वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन अ बिट टू एम्पावर द इंडियाज यूथ विद एम्प्लॉयबल स्किल तो जो एम्प्लॉयबल स्किल हैं जो रेलिवेंट स्किल्स हैं इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं वो स्किल्स में जो इंडिया का यूथ है उसको एम्पावर करना बाय मेकिंग ओवर 300 स्किल कोर्सेज अवेलेबल टू देम तो सौ स्किल कोर्सेज जो है इनके लिए अवेलेबल होंगे ताकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वो स्किल कोर्स चूज करके अपने आप को स्किल में बेटर कर सकते हैं राइट दिस पर्टिकुलर स्कीम इज लॉन्च वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्ट्रप्रिनशिप तो इतना आप याद रख सकते हैं नाउ नेक्स्ट स्कीम जो है दैट इज असीम असीम इज आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग ठीक है इसमें ये लॉन्च हुई थी 2020 के अंदर ठीक है और एम एस डी के अंदर ही लॉन्च हुई थी मतलब स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही लॉन्च हुई थी इट इज अ पोर्टल टू हेल्प द स्किल्ड पीपल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इट इज अ पोर्टल टू हेल्प द स्किल्ड पीपल ठीक है टू टू फाइंड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली और बेटर अपॉर्चुनिटी जो और बेटर सस्टेनेबल है उन ऑपरचुनिटीज़ uh, को ग्रैप करने के लिए वॉट बेस्ट दी स्किल्ड पीपल कैन डू इज़ दे कैन विजिट दिस असीम पोर्टल एंड डेफिनेटली दे विल बी फाइंडिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी राइट तो ये सारी चीज़ है जो आपने इसको दिमाग में रखना है वेन एवर देर इज अ आंसर राइटिंग वहाँ पर भी आप इन स्किल्स को uh, स्कीम्स को मैंशन कर सकते हो तो इट वुड बी बेटर फॉर योर आंसर ठीक है नाउ नेक्स्ट एज स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटाइशिप एंड स्किल्स श्रेयस अब ये स्कीम जो है इट इज़ बेसिकली अ स्कीम टू प्रोवाइड द इंडस्ट्री अप्रेंटाइशिप जो भी ग्रेजुएट जो लेटेस्ट ग्रेजुएट है जो एग्जिट एग्जिट कर रहे हैं मतलब देखिए अप्रैल 2019 से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको जो है बेसिकली इस स्कीम के तहत मतलब नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रोमोशन स्कीम के तहत दिल बी गेटिंग द इंडस्ट्री अप्रेंटाइनशिप अपॉर्चुनिटी ताकि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिल पाए ठीक तो है श्रेय स्कीम है याद रख सकते हैं आप और इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है लॉन्च हुई है इसके अंदर काम कर रहे हैं ये स्कीम काम कर रही है ठीक है सो so, हमने इतना पढ़ लिया इसके बारे में सो नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर रिगार्डिंग द हिमाचल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज है रिगार्डिंग दी मेडिकल डिवाइसेस आपको पता है वी व्हाट वी हैव डन इन द कोविड सिचुएशन इज वैक्सीन डिप्लोमेसी वैक्सीन डिप्लोमेसी किया हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वी आर वेरी वेल एबल्ड यू नो एंड हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है और उसी चीज़ का हमने बेनिफिट भी उठाया अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी करने के लिए है ना तो उसमें हमने अपना जो सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसमें हमने वैक्सीन प्रोवाइड की मेडिकल डिवाइसेस प्रोवाइड किए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए पी पी किट्स प्रोवाइड की टू आर नेबरिंग कंट्रीज़ उनके साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए कोविड के टाइम पे और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो भी हमारे पास आए इन ऑर्डर टू गेट दैट वैक्सीन्स एंड एवरी जो मेडिकल चीज़ें हैं वो ऑर्डर uh, करने के लिए कि हमें ये uh, जो ऑर्डर uh, हमें ये पर्टिकुलर uh, चीज़ जो है इस टाइम तक आपसे चाहिए सो so, उससे क्या है उससे हमारी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंद हुए हुई है सो so, ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मेडिकल डिवाइज़ है इसका जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसको कंट्री के जगह जगह इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो हम वो सारा कॉन्सेप्ट इस के अंदर पढ़ेंगे हिमाचल के अंदर रिसेंटली स्टैब्लिश करने के ऊपर पूरा जोर दिया गया है बट इसके अलावा हम लोग नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है मेडिकल डिवाइसेस के इंडस्ट्रियल पार्क के रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे सो so हिमाचल जो है सबसे पहले तो प्रिलम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिमाचल में जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है दैट वुड बी सेटअप दैट वुड बी डेवलप्ड ओवर 265 सिक्सटी फाइव हेक्टेयर्स इन सोलन नालागढ़ नालागढ़ के अंदर तो सोलन डिस्ट्रिक्ट नालागढ़ जो है उसके अंदर जो है ये दो सौ पैंसठ एकड़ का इंडस्ट्रियल मेडिकल पार्क जो है सॉरी मेडिकल डिवाइस पार्क जो है उसको सेटअप किया जाएगा उसकी कॉस्टिंग इतनी लगेगी बट इतनी कॉस्टिंग में जो है लगभग लगभग जो सेंटर की ग्रांट आई है वो है सौ करोड़ तो रिसेंटली सेंटर ने सौ करोड़ की ग्रांट दी है ताकि ये पार्क जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है इसको सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ के अंदर जो है लगाया जा सके अंडरस्टैंड अब स्टेट जो है हिमाचल स्टेट है वो इकोनॉमिकली काफी प्रोग्रेस कर रहा है इतना भी नहीं कर रहा है बट कंपैरेटिवली लास्ट प्रीवियस अगर हम लोग बात करें तो उसके हिसाब से हिमाचल काफी प्रोग्रेस कर रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइव थाउजेंड करोड़ और इसकी जो टर्न ओवर होगी वो लगभग बीस हजार करोड़ की एक्सपेक्टेशन है और इसकी जो इंप्लॉयमेंट होगी वो लगभग दस हजार लोग जो होंगे वो प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विद इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंड ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर रिगार्डिंग दिस मेडिकल डिवाइस पार्क तो कंटेक्स क्या है इसका कंटेक्स यही है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने एक स्कीम नोटिफाई की है जिस स्कीम के तहत प्रमोशन किया जाएगा मेडिकल डिवाइस पार्क को ताकि जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है हमारा जो कि धीरे 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 ग्रो करता जा रहा है उसको और ज्यादा पुश मिले और ज्यादा वो तरीके से ग्रो करें ठीक है टू सपोर्ट द मेडिकल डिवाइस सेक्टर इन आर कंट्री अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल है ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है जो गैप्स हैं ठीक है, है ठीके, एक जगह पे सारी चीजें नहीं अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आर देयर सो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी है उसको और फिल कर देना उसको और बढ़िया तरीके से uh, uh, करना, और एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी को सेटअप uh, करना इतना आप याद रख सकते हैं अगर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाता है तो प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन जब होती है तो वो कौन सी प्रोडक्शन होती है इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव प्रोडक्शन होती है जिसमें प्राइजेस भी कॉम्पिटेटिव होते हैं और जब प्राइजेस कॉम्पिटेटिव होंगे तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा uh, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ होगी और जो प्रोड्यूसर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करूँ कम करूँ कम करूँ ठीक है इट इज़ सो uh, अल्टीमेटली so यही ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बिल्डअप करना एंड कॉम्पिटेटिव स्पिरिट लाना एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना और प्राइजेस जो है वो धीरे धीरे कम आते जाए दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेडिकल डिवाइस पार्क नाउ बेनिफिट क्या है बेनिफिट सिंपल है कि आपको हर फैसिलिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो एक जगह आपको मिल जाएगी इस मेडिकल डिवाइस पार्क के तहत इसके अलावा इट विल क्रिएट अ रोबस्ट इकोसिस्टम ठीक है

तो ये जो स्कीम है 2020 से 21 20 से लेके फाइनेंशियल लेकर चौबीस से 25 तक का इसका पूरा टेन्योर है इसमें क्या होगा कि सिलेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस पार्क को सेटअप करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी दैट वुड बी 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज राइट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ठीक है अब जैसे यही फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें या हिली स्टेट्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगी ये 90 परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगी समझ आ गया आपको और यू हैव ऑलरेडी रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस की सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है ठीक है तो उसमें क्या है आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के अंदर यूनियन गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड बेटर मोर फाइनेंशियल ठीक है एज इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट ठीक है सो नाइंटी परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज फार एज द नॉर्थ ईस्ट स्ट्सर्न ठीक है और जो मैक्सिम असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जा सकती है अंडर द स्कीम फॉर वन मेडिकल डिवाइस पार्क वुड बी लिमिटेड टू हंड्रेड करो विच रिसेंटली uh, किसको मिला हिमाचल गवर्नमेंट को मिला कि यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू हंड्रेड करोड़िस इज द मैक्सिम अमाउंट कैन प्रोवाइड यू गॉट दिस पॉइंट ठीक है सो इसके अलावा uh, ये स्कीम के जो पॉइंट है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट के आपके प्रिलिम्स में पूछे जाएंगे तो कैसा भी सवाल यहां से पूछा जा सकता है ठीक है नाउ नाउ uh, एक और न्यूज है न्यूज uh, है रिलेटेड टू कुल्लू यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट दी हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ठीक है काफ़ी ज़्यादा हैंडी क्राफ्ट मैन जो है कुल्लू uh, डिस्ट्रिक्ट के ये बेसिकली uh, बहुत ज़्यादा एक तरीके से uh, इनको जो है uh, इनके पास कला तो है बट इनका प्रॉपर प्रमोशन नहीं होता है सो बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रमोट देम इनका जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करना और साथ ही साथ इनको एक बेटर प्लेटफॉर्म देना ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करें और वहाँ पे एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्रोडक्ट का एक एक पहचान बने सो इन ऑर्डर टू बूस्ट दैट थिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट थिंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अनाउंस टू सेटअप अ वीवर सर्विसज एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है तो ये पर्टिकुलर सेंटर जो है इट इज वीवर सर्विसेज एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर इसको जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है और ये अल्टीमेटली एनकरेज करेगा अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ऑफ स्टेज को एंड प्रोवाइड अ बेटर प्लेटफॉर्म टू एक्सपोर्ट दीज प्रोडक्ट एट द इंटरनेशनल मार्केट ओके नाउ uh, ये जो प्रोग्राम था ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एद, uh, के अंदर इसको जो है अनाउंस किया गया तो ये प्रोग्राम था दैट वाज सेवा एंड समर्पण अभियान टू कमेमोरेट द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द स्टेट हुड ऑफ हिमाचल प्रदेश ये हमने पहले भी पढ़ा है गोल्डन जुबली ईयर मतलब पचास साल जो है हिमाचल को एज अ स्टेट हुड हो चुके हैं तो उसके uh, उपलक्ष्य में उसके टाइम uh, पे इस uh, अभियान को लॉन्च किया गया अब यू नो वेरी वेल दैट इट हैज़ अ ट्रमेंडस टैलेंट किसके पास है जो व्यूवर्स हैं हमारे उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है पोटेंशियल है दे हैव अ बेटर आइडिया मतलब दे हैव अ बेटर आइडिया द ओनली थिंग इज दे वॉन्ट दान्ट प्लेटफॉर्म अब ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का जो जिम्मेदारी है ये ऑब्वियसली प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट कौन सी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल के आके इनको ये प्रोडक्ट्स को दिखाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा चर्चा में आए और बेनिफिट उठा सकें जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं राइट सो अल्टीमेटली मोर अटेंशन कहाँ पे पे की जाएगी इट वुड बी पेड ऑन दी मॉडर्नाइजिंग द डिजाइन क्या मॉडर्नाइज करने है जो कंटेम्प्रेरी आजकल चलता है डिजाइन पैकेजिंग है क्वालिटी है और मार्केटिंग है इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के तहत ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बेटर प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनके प्रोडक्ट्स को मिल पाए अंडरस्टैंड तो इतना आप ध्यान दीजिएगा इसको ओके okay. नाओ ये लास्ट न्यूज है इसके बाद हम लोग कुछ एम करेंगे हिमाचल जी के के एम होंगे तो आपने क्या करना है इन एम को सॉल्व करना है मैं आपको टाइम दूंगा और उन एमसी को आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख भी सकते हैं ए बी सी डी चार ऑप्शन में से सो so, ये नई प्रैक्टिस है जो हम लोग कर रहे हैं सो आई होप यू लाइक दिस प्रैक्टिस अब पहले ये देख लेते हैं दैट सेटअप द ए पी आई मोनिटरिंग सेल इन द हिमाचल डिजमैन ये बेसिकली क्या है uh, जो पीयूष गोयल हैं पहले तो राष्ट्रपति आए थे हिमाचल के अंदर लेकिन उसके बाद पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ये हिमाचल के अंदर आए और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जयराम ठाकुर जो हमारे सीएम हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश है दे हैव डन लिटरली वेल इन ऑर्डर टू बूज द हिमाचल इकोनमी इन्होंने हिमाचल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स हैं उनको उनको जो है इन्फ्लुएंस किया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है अभी शुरू हो चुकी है हिमाचल के अंदर अब हिमाचल में इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी बूस्ट होगी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो अल्टीमेटली इट विल इट वुड प्रोवाइड द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू अलॉड ऑफ पीपल राइट तो ये सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टर पैराडाइज बोला है और ये जो सारा सिस्टम है ये जो वाणिज्य सप्ताह वाणिज्य सप्ताह जो है मनाया जा रहा है सेप्टेंबर ट्वेंटी से लेकर छब्बीस सप्तर तक इसको मनाया जा रहा है टू इक्नोलेज द इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंडिया की राइजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको इक्नॉलेज करने के लिए वाणिज्य सप्ताह जो है मनाया जा रहा है ठीक है सो so, आप याद रखेंगे इसको और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट uh, किया गया कि जल्द ही ए पी आई मॉनिटरिंग सेल जो है इट वुड बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इट वुड बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश अंडरस्टैंड तो इसको ध्यान दीजिएगा नाउ क्लियर सो दिस वॉज द ओनली न्यूज दैट वॉज हेयर नाउ नेक्स्ट अब आपने मुझे ये बताना है दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ सेशन अरेंज द हिमाचल प्रदेश मणिपुर केरला महाराष्ट्र इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन सो इनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन के तहत आप इसको बताइए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर हिमाचल प्रदेश मणिपुर केरला महाराष्ट्र मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेकर आया क्योंकि रिसेंटली एच सी एस हुआ हरियाणा सिविल सर्विसेज उसमें भी इस तरीके से सवाल पूछा गया था ठीक है सो इट वॉज वेरी टफ तो यहां के फ्रेम के हिसाब से ही हम लोग यहां पे आंसर दे सकते हैं ठीक है देखिए सो सो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है केरला सबसे पहले होगा केरला केरला सेटअप हुआ था 1956 में देन महाराष्ट्र हो गया महाराष्ट्र 1960s की बात कर रहे हैं उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया 1970s एंड मणिपुर हो गया 1971 तो ये आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है धर्मशाला खजियार सोलन या कसौली अब ये क्वेश्चन जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिंपल क्वेश्चन है आपके पास पांच सेकंड का टाइम है इसको आंसर दीजिए ओके सो आंसर इज खजियार अंडरस्टैंड सो आंसर क्या है खजियार मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है खजियार को कहा जाता है नेक्स्ट है च ऑफ दीज प्लेसेज इन हिमाचल प्रदेश वॉज फाउंडेड बाय साहल वर्मन किसने जो है इनमें से कौन से प्लेसेज हैं क्योथल हो गया चंबा हो गया शिमला हो गया अच्छा ये दो बार आ गया सेम पॉइंट uh, ठीक है विच ऑफ दीज प्लेसेज इन हिमाचल प्रदेश वॉज फाउंडेड बाय साहिल बर्मन सो so, इसका आंसर है चंबा सो राइट आंसर इज चंबा तो साहिल वर्मन ऑफ वर्मन डायनेस्टी फाउंडेड चंबा इन 1920 शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ ब्रह्मपुर स्टेट टू चंबा राइट तो इतना आप याद रख सकते हैं चंबा फाउंडेड बाय साहिल वर्मन हु वॉज द लीडर ऑफ धम्मी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश स्वामी परमानंद महात्मा गांधी लाला हरदयाल या भागमल सोता. बताइए इसका आंसर क्या है कौन थे लीडर धमी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश ओके सो भागमल सोता इज द राइट आंसर सो जो पीपल लोग थे धमी स्टेट के वो सामने म, एजिटेट करना उन्होंने शुरू किया अंडर द लीडरशिप ऑफ भागमल सोता अगेंस्ट द राना ऑफ धमी इन द धमी मूवमेंट राइट तो आप इतना याद रख सकते हैं इसको राइट right? सो so, आज की क्लास में इतना ही एंड uh, अगर आपको इफ यू लाइक द सेशन जस्ट कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड ऑल्सो डू लेट अस नो वॉट थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सेशन ठीक है तो अब आज के लिए इतना ही आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू